हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2024 का आप लोग टारगेट रखते हैं या यूपीपीसीएस 2024 अगर आप लोगों का टारगेट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स का सिनेरियो लगातार प्रीलिम्स और मेंस में बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए प्रीलिम्स की सबसे बेस्ट मैगजीन होती है विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि इस बार हम लोग कवर करेंगे जून 2023 की। और इससे पहले अभी हम लोगों ने मई 2023 की कवर की है, जिसमें लगभग 13 से 14 लेक्चर आ चुके हैं और इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। और हो सकता है एक से दो क्लास मई वाले करंट अफेयर्स की और आएगी, जो इसी के पैरलर ही मैं आजकल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूछ रहे थे लगातार कमेंट्स में कि सर जून की कब आएगी, जुलाई की कब आएगी, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। तो मेरे प्यारे सभी साथियों, क्योंकि विजन आईएएस के द्वारा 2 महीने डिले करके पोस्ट की जाती है करंट अफेयर्स को, अगस्त के महीने में जून का आया है और लगभग 10 या 11 तारीख को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आ गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने अब 1 से 2 दिन में सारे टॉपिक्स को पढ़ा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको सेलेक्ट करके आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और ताकि आप लोग उसकी मेन थीम को समझ पाएं कि क्यों ये मुद्दा चर्चा में है और प्रीलिम्स के क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, साथ ही साथ मेंस के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिससे आप उसके नोट्स बना सकें। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी इसकी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक हैं, एक चैनल का है और एक डिस्कशन ग्रुप का है, आप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को, और आज हमारा टॉपिक रहेगा पहला राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और स्टार्टिंग के आज हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के हमारे जो टॉपिक होंगे राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन यानी शासन में, नया संसद भवन जिसका उद्घाटन किया जा चुका है, राजद्रोह कानून, शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक, और भारत में OTT जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, टॉप जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे आपका हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इन सभी के बारे में भी कुछ रेगुलेशंस हैं, इन सभी को लेके चर्चा की गई है। तो हम इन सभी 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम ये सारे के सारे संक्षिप्त सुर्खियाँ पढ़ के 2 क्लासेस में पॉलिटी को कवर कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने प्लेलिस्ट में विजन आईएएस की मंथली मैगजीन का मई सीरीज अपलोड कर दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, मई के 13-14 लेक्चर्स हैं। अगर आप लोग सिविल की तैयारी प्रॉपरली और साथ ही साथ आरओ की भी तैयारी करना चाहते हैं कि एक ही बार में आपका क्रैक हो जाए, तो और भी अदर प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं, जैसे कि घटनाचक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, टॉपर्स की कॉपी, इन सभी चीज़ों को भी आप लोग जरूर एक्सेस करिएगा, सभी कुछ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक हमारा नया संसद भवन। तो आप सामने 2 इमेजेस देख रहे होंगे दोस्तों, जिसमें एक संसद आपकी वर्तमान वाली है जो कि आपकी सर्कल में आपको देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? सर्कल में। अगर जो लोग दिल्ली आए होंगे घूमने या दिल्ली में रहते होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो वो कभी ना कभी राष्ट्रपति भवन या इंडिया गेट जरूर गए होंगे, तो वहाँ से संसद का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है जो कि कैसा है, राउंड शेप में है। अदरवाइज आप लोग गूगल विजिट कर सकते हैं या टीवी पर देखते ही होंगे न्यूज़ में। लेकिन अब जो नई वाली संसद बनाई गई है वो एक ट्रायंगल शेप में, किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में जो है कि इसको बनाया गया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी दोस्तों जिसकी वजह से पुराने संसद भवन को छोड़ के एक नए संसद भवन को बनाना पड़ा? क्या पुराने ही संसद भवन में हम कुछ जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन नहीं कर सकते थे? क्यों इतना हमने पैसा वेस्ट किया? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग मेन्स के पर्सपेक्टिव से जानेंगे, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सबसे पहला प्रश्न जो कि बीपीएससी 2021-22 में पूछा गया था कि नए संसद भवन का जो प्रोजेक्ट है वो किस नाम से जाना जाता है और कौन सी कंपनी इसको बना रही है। तो ऐसे भी कई सारे प्रश्न हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो वर्तमान संसद भवन में ये वाला जो एरिया है वो लोकसभा के नाम से जाना जाता है, और ये जो बीच का राउंड शेप है ये संयुक्त हॉल है जिसमें संयुक्त सत्र बैठा जाता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन होता है, जो कि आर्टिकल 108 में वर्णित किया गया है। वहीं ये वाला जो एरिया है राज्यसभा है और ये वाला एरिया कार्यालय है। जबकि नए वाले में देखेंगे अगर आप, तो नए वाले में ये लोकसभा हो जाएगा और ये आपका राज्यसभा हो जाएगा और ये आपका लाउंज हो जाएगा, जहां पे आपको क्या करना, संयुक्त रूप से बैठना रहेगा। तो इसमें कई सारे द्वार बने हुए हैं, हालांकि ये मेन द्वार, ये 3 मेन द्वार हैं और इसमें छोटे छोटे कई सारे द्वार बनाए गए हैं गेट, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इनके क्या नाम रखे गए हैं। तो पहला प्रीलिम्स का प्रश्न आता है कि इसका जो नाम था भवन निर्माण का, सेंट्रल विस्टा
विकास पुनर्विकास योजना, सेंट्रल विस्टा विकास पुनर्विकास योजना के तहत इसका विकास किया गया और इसको इन्वेस्टमेंट कैसा कहा गया, अवसंरचनात्मक निवेश परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। हालांकि सेंट्रल विस्टा योजना को 1931 में ही शुरू किया गया था और इस योजना में राष्ट्रपति भवन जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी रहती है इस समय, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो कि राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने ही देखने को मिलते हैं, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जिसमें एक में फॉरेन मिनिस्ट्री और एक में होम अफेयर्स जो है कि चलाया था होम मिनिस्ट्री, वहीं संसद भवन और अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट को निर्माण को शामिल किया गया। हालांकि इंडिया गेट पे जो राजपथ था उसको अब कर्तव्य पथ के नाम से बुलाया जाता है और अभिलेख कार्यालय को अब वर्तमान में राष्ट्रीय अभिलेखागार के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसके कुछ नाम भी परिवर्तित कर दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय, इंडिया गेट, और इंडिया गेट का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि पहला हमारा प्रश्न उठता है आपसे, कोई भी अगर पूछे या कोई एग्जामिनर ही पूछ ले कि भाई ऐसी क्या जरूरत थी कि हमें नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ गई, तो हमें इस चीज़ को जानने से पहले हम वर्तमान संसद भवन के बारे में जान लेते हैं कि वर्तमान संसद भवन क्या प्रॉब्लम थी कि इसकी वजह से हमें नया संसद भवन बनाना पड़ा। तो वर्तमान संसद भवन की अगर हम जानकारी लेते हैं तो पहली चीज़ कि ये उपनिवेशिक युग की एक इमारत थी जिसके ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसमें काम करती थी, जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ते हैं जिसके विट्ठल भाई अध्यक्ष बने थे 1925 में, जो सरदार पटेल जी के बड़े भाई थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और कहा जाता है कि जो वर्तमान संसद का जो गोलाकार डिज़ाइन है वो सामान्यतः इसका आकार मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है 64 योगिनी मंदिर के अद्भुत गोल आकार से प्रेरित है। अब यहाँ से आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो गोल संसद बनाई गई थी उसका आकार मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। और यह भी पूछा जाता है कभी कभी आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से कि 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और इसी में पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो अब ये तो हो गया बेसिक बातें, अब बात करते हैं भाई कि नई संसद की जगह क्यों जरूरत पड़ गई। तो पहली चीज, वर्तमान संसद में दोस्तों कितने सदस्य हैं टोटल, आपको अगर पता होना चाहिए कि 545 लोग तो लोकसभा में चयनित होकर आते हैं, हालांकि इनकी सीटें 552 होती हैं लेकिन 545 हैं, और इसी तरीके से राज्यसभा में 250 हैं लेकिन 245 ही चयनित होकर आते हैं राज्यसभा में। अब इसे अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 790 जो है कि सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं दोस्तों, 790। लेकिन ये जो सीट है ये केवल 2026 तक ही तो स्थिर है, क्योंकि 1971 की जनगणना के आधार पे परिसीमन ने कहा है कि 545 सीटें जो लोकसभा की हैं या राज्यसभा की, ये 2026 तक ही केवल सीमित रहेंगी। इसके बाद इसमें चेंजेस किया जाएगा, क्योंकि 1971 से लेके अगर हम 2021 की जनगणना भी अगर हो जाती है तो इसे भी हम शामिल कर लें तो लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत में है। और 1971 में कितनी जनगणना थी, मतलब जनसंख्या, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उसके आधार पे जब हम 10 लाख का रेशियो देखते हैं तो 545 और 245 सीटें सफिशियंट थी, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से हम जब 10 लाख पर्सन पे एक कैंडिडेट को वोट देंगे, यानी एक कैंडिडेट चुना जाएगा, तो इस आधार पे इसकी संख्याएं बढ़ जाएंगी। और बढ़ जाने की वजह से जो वर्तमान में संसद है उसमें बैठने के लिए जगह कम है, इसीलिए नई संसद में जो है कि जो जगह बनाई गई है उसमें कितने लोगों को बैठाया जाएगा, तो लोकसभा में 888 लगभग 888, और राज्यसभा की बात करेंगे तो इसमें भी लगभग 345, एग्जैक्ट फिगर मैं अभी नीचे दिखाऊंगा, और इन दोनों को ही जोड़ लीजिए तो लगभग 1270-72 के आसपास पहुंचती है सीटें। तो इतनी सीटों की वृद्धि की जा रही जो कि वर्तमान में 790 है, यानी अगर आप देखें तो लगभग 450 सीटों की वृद्धि की जा रही है इसमें। दूसरा क्या दिक्कत हो रही है कि जो नई सेवाओं के लिए अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा, जो हमारी वर्तमान संसद है वो समय के साथ साथ नई सेवाओं के लिए अनुपयुक्त हो जा रही है। जैसे अगर हमें कोई जल की पाइपलाइन, यानी कि संसद भवन में अगर हम वाटर सप्लाई करना चाहें हर रूम में, हर चैम्बर में, हर केबिन में, तो उसको तोड़ना, उसको जो है खंडित करना काफ़ी लंबा और काफ़ी जो है कि कॉस्टली काम होगा, क्योंकि पूरी की पूरी संसद पत्थरों से बनी हुई है और पत्थर में स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। वहीं एसी वगैरह के साथ साथ जो एनवायरनमेंट होना चाहिए था इको फ्रेंडली, जो पूरी तरीके से गोलाई से तो घिरा हुआ है, एक अंदर क्या लगता है एक कमरा टाइप का लगता है, और बाहर तो आपने बहुत सारे अशोक के पेड़ और लिप्टस के पेड़ वगैरह लगाए होंगे,
लेकिन अंदर जो है कि खुलापन नहीं है उसमें, हवा आसपास नहीं होती है, आर पार होने में दिक्कत होती है, फिर कहीं मान लीजिए आग वगैरह अगर लग जाती है तो बाहर निकलने की समस्या होती है। तो इन सभी की वजह से नई संरचना जरूरी थी। वहीं वर्तमान संसद भवन में जो संचार अवसंरचना थी, प्रौद्योगिकी पुराने ढंग की है जो कि अब प्रचलित नहीं रह गई। जैसे ध्वनि, जो खराब ध्वनि प्रणालियाँ, जब कोई बात होती है, कोई गूंजती आवाज़, तो वो भी साउंड अच्छा नहीं करती, इको अच्छा नहीं करती है, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताएं, जिस समय इसका निर्माण किया गया था लगभग 1937 के आसपास, तो उस समय दोस्तों दिल्ली को सेकंड भूकंपी जोन में रखा जाता था। सेकंड का मतलब होता है कि ऐसे भूकंपी क्षेत्र जहां पे भूकंप की मात्रा क्या करी है, बिल्कुल नगण्य। ये कह सकते हैं कि 5 से 10 साल में एक आध बार कभी भूकंप के हल्के फुल्के झटके महसूस कर लिए जाए। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे लगभग 70-80 साल में भारतीय प्लेट का जो खिसकाव हो रहा है, ये जो मैं ज्योग्राफी में आपको बताऊंगा, धीरे धीरे उसमें टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हर साल कम से कम दिल्ली में 20 से 22 बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ये एक साल का बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिल्ली अब आपके फोर्थ जोन में आ गया है। जैसे आपका यूपी भी किसमें आता है, भूकंपी क्षेत्र फोर्थ में आता है, और जो क्षेत्र आपके फिफ्थ वाले में आते हैं जैसे पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पे भूकंप की सर्वाधिक चांसेस रहते हैं, आते भी हैं भूकंप। तो आप देखिए दिल्ली अब फोर्थ वाले में आ गया, जिसमें लगातार हर साल 15 से 20 बार झटके महसूस किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भूकंप की स्थिति में संरचना ढह ना जाए, इसलिए भी एक भूकंप रोधी नई संसद का निर्माण करने पर फोकस किया गया। वहीं कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र, मतलब वर्क स्पेस बहुत सीमित था, बहुत भीड़ भाड़ रहती थी उसमें, इसलिए इसके एक नए क्षेत्रफल के साथ साथ इसके एरिए को भी बढ़ाया गया। तो ये सारी चीजें थी। तो अब जरा हम बात करेंगे नई संसद की विशेषता क्या है दोस्तों, क्या है नई संसद की विशेषता, तो जरा इसको भी हम लोग समझते हैं। पहली चीज कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर आधारित है ये, और इसकी जो संरचना है वो त्रिकोणी है, और इसका जो डिजाइन किया गया था पद्मश्री व्यक्ति एक हैं विमल पटेल, इनका नाम याद करना, ये दोनों ही वर्ड आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन वास्तुकार था। इस समय आपको कमेंट करके बताना है कि कौन, जो अशोक की लाट इस पे रखी गई है, अशोक की लाट जिसको हम लोग अशोक स्तंभ कहते हैं, और सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है, जिस व्यक्ति ने इसका डिज़ाइन किया था उसका नाम क्या है, क्योंकि वो बहुत चर्चा में रहने वाले हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि उसका ऑप्शन देके आपको कन्फ्यूज कर दे। फिर आधुनिक संरचना भी इसमें देखने को मिलती है, जैसे भूकंप रोधी तंत्र का निर्माण किया गया कि भूकंप से भी कोई प्रभावित ना हो, सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है, और हरित परिवेश का भी निर्माण किया गया, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है, और बिजली की खपत को 30% तक कम किया गया है, और नई संसद भवन पूरी तरीके से पेपरलेस होगा, यानी सारा काम इसमें डिजिटली होगा, जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, जगह जगह प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं कि सारी कार्यवाही हम पेपरलेस करेंगे, प्रोजेक्टर्स LCD और आपके जो कंप्यूटर्स हैं हाईटेक प्रोफाइल से, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। वहीं इसका जो संरचना है वो बहुत ही विशाल है, पुरानी संसद भवन की अपेक्षा 150% अधिक है। जैसे यहाँ देखिए लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 384, और इन दोनों को ही काउंट कर लिया जाए तो लगभग 1272 सीटों की इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसकी वृद्धि करने के पीछे रीज़न क्या था। अब निष्कर्ष की ओर देखें तो भाई सीधी सी बात है कि नए संसद भवन के रूप में स्वतंत्र भारत को अपना स्वयं का संसद भवन प्राप्त हुआ, क्योंकि भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके जो संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, इनका निर्माण औपनिवेशिक युग में ही हो चुका था। तो भारत को एक भारत स्वस्थ भारत के परिप्रेक्ष्य से चलते हुए एक श्रेष्ठ भारत के रूप में जो है कि ये एक कॉन्सेप्ट था, जो कि 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों को प्रतिबिंबित करता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि नए और पुराने के सह अस्तित्व के लिए भी एक आदर्श है यह वाला भवन, और यह भवन विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा। तो ये था आपका संसद से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रश्न बन सकते थे जो। और आइए एक और चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं जो महत्वपूर्ण है, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना पर बात की जा रही है इस नए संसद में, आखिर वो क्या है। जैसे लोकसभा कक्ष में राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम लगाई गई है, यानी मोर की थीम पर आधारित है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। वहीं नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। अब ध्यान देना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है, बरगद है कि अशोक है कि पीपल है, तो क्लियर रहिए बरगद है। वहीं संसद भवन में सेंगोल या राजदंड को अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया, यानी ओम बिरला जी के बगल में। तो आइए मैं इसका आपको एक चित्र भी दिखा देता हूँ यहाँ पर।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये ओम बिरला जी हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इनके द्वारा देखिए सेंगोल की स्थापना की जा रही है। ये एक रॉड की तरह होती है जो गोल्ड प्लेटिनम की जो है कि बनी होती है और इसके ऊपर एक नंदी बैठाए गए हैं। यहाँ पर ये आप इमेज डाल सकते हैं, इमेज में आप लिखिएगा सिंपल सी बात है सेंगोल, गूगल पर आप अगर डालेंगे तो ये आ जाएगा और आप इस तरीके की इमेज को देख सकते हैं। ये स्पीकर की कुर्सी के बगल में जो है कि इसको लगाया गया है। इसके बारे में मान्यता क्या है ये हम चर्चा करते हैं, तो आइए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या मान्यताएं हैं सेंगोल की। तो ऐसा माना जाता था दोस्तों सेंगोल के बारे में कि जब ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ाद करते हुए जा रही थी तो इसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को एक सेंगोल नाम की एक कहने की प्रतीक चिन्ह दिया था जिसको आज़ादी का प्रतीक चिन्ह माना गया, अर्थात सत्ता के हस्तांतरण का। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा है सेंगोल या राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का। तो इसके बारे में चर्चा की गई थी और इसीलिए अब यहाँ पर ये आज़ादी के प्रतीक के रूप में लगाया गया। आप लोगों ने भी जब नए संसद भवन से रिलेटेड जब डिबेट सुनी होगी तो उसमें सेंगोल को जरूर सुना होगा। जो सिंसियर एस्पिरेंट होंगे उन्होंने सेंगोल के बारे में जानकारी रखी होगी, और अगर जो लोग नहीं जानते तो उसको आज ही विजिट करिएगा गूगल पे और देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इसी के बारे में और चीजें क्या हैं कि नए संसद भवन को भदोही यानी उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुने कालीन से सजाया गया है और भदोही को ही कालीन शहर भी कहा जाता है। वहीं इसमें जल थल और नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर अशोक चक्र बना हुआ है और सत्यमेव जयते भी उसके नीचे लिखा गया है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि संसद भवन में लगी सागौन की लकड़ियों को नागपुर से, संगमरमर को गुजरात से, बलुआ पत्थर जो लाल और सफ़ेद रंग का उसे राजस्थान से मंगवाया गया। साथ ही साथ त्रिपुरा से मंगवाई गई बांस की लकड़ी इसके फर्श पर लगाई गई है। तो आप देखेंगे इनमें 4 प्रमुख राज्यों का भी योगदान है। नागपुर किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है। वहीं संगमरमर गुजरात से, बलुआ पत्थर राजस्थान से और त्रिपुरा से मंगवाई गई बांस की लकड़ी यानी जो इसके फर्श पर लगाई गई है, और उत्तर प्रदेश से आपके भदोही से कालीन गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं प्रश्न बनने के लिए, तो आपको पता रहना चाहिए। आइए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। आपका अगला टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट है वो है राजद्रोह कानून, लॉ ऑन सेडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहता है कि किसी व्यक्ति पे देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा कैसे चलता है। तो हम बात करेंगे कि 22वें विधि आयोग के राजद्रोह कानून के उपयोग पर अपनी 279 रिपोर्ट जारी की और इसने कहा कि राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। राजद्रोह कानून की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर मतलब धारा नंबर 124A में वर्णित है, जो कि इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। तो किसे कहते हैं हम राजद्रोह, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है इनका? ऋतुराज अवस्थी, जो कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो ये करेंट अफेयर्स की चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए। आगे देखते हैं राजद्रोह कानून होता क्या है, भाई समझ लेते हैं। लिखा है कि किसी भी माध्यम से, जो कि निम्नलिखित 3 माध्यम दिए हुए हैं, अगर भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार जो कि विधि के द्वारा स्थापित की गई है, अगर उसके प्रति आप घृणा फैलाते हैं या उसकी अवमानना करते हैं अथवा उत्तेजना पैदा करने का प्रयास करते हैं तो इसे राजद्रोह कहा जाता है। जैसे एक बार कन्हैया कुमार पर, जो कि JNU के अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में कांग्रेस के नेता बन रहे हैं, तो इनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा लगाए जाने का प्रयास था। कई सारे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जा चुका है जिसमें क्या कहा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति आप घृणा फैलाते हैं लोगों के बीच में और उसको अपदस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कैसे आप करोगे? अगर आपने कोई मौखिक या लिखित रूप से कोई बात कही या संकेतों के माध्यम से या दृश्य रूप यानी कि कोई विजुलाइज अगर आप किसी चीज़ को करा रहे हैं और उससे अगर ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्थापित सरकार को हटाना चाहते हो या सरकार के खिलाफ आप कुछ ऐसा फैला रहे हो जो घृणा पैदा कर रहा है समाज में, बंटवारे की स्थिति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंतर्गत आप पे राजद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है। तो समझते हैं। और इससे संबंधित इसकी जो आलोचना की जाती है, वर्षों से हो रही राजद्रोह कानूनों की आलोचना क्यों हो रही है, तो पहली चीज व्यक्ति परक परिभाषा। श्रेया सिंगल 2015 का जो वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि व्यापक धाराएं और असंवैधानिक घोषित कर दी जाएंगी, जो अस्पष्ट और व्यापक धाराएं हैं इसमें, इसलिए व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता, इसे इस पर भी आलोचना है। वहीं
असहमति जताने पर प्रतिकूल कार्रवाई का डर होता है। यानी सेल्फ सेंसरशिप, कहने का मतलब है कि अगर आपको सरकार के किसी काम की आलोचना करनी है, सरकार के किसी काम से आप खुश नहीं हैं, चाहे वो वर्तमान सरकार के द्वारा जो है कि किसी भी प्रकार का कार्य किया जा रहा हो, चाहे नू हिंसा हो गई हरियाणा में, गुरुग्राम में, या मणिपुर में रेप केस हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, अगर इस पर सरकार का कुछ ऐसा बयान आता है जो गलत है, या सरकार की प्रतिक्रिया अगर गलत है, और अगर हम इस चीज़ को जस्टिफाई करें या पब्लिक स्पीक करें, तो हमें क्या होता है, डर लगता है कि कहीं सरकार हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले या हम पे राजद्रोह का मुकदमा ना लगा दे। इस वजह से हम अपनी कार्रवाई या अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो असहमति भी जता नहीं पा रहे हैं अपनी। वहीं दोष सिद्धि के निम्न दर, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों पे दोष सिद्धि नहीं हो पाती है और उससे पहले ही इनके मामले क्या चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं, इसलिए भी बहुत सारी इसकी आलोचनाएँ की जाती हैं। वहीं दुरुपयोग के आरोप, इस पर लगातार कहा जाता है कि दुरुपयोग के आरोप, जैसे कन्हैया कुमार ने खुद कहा कि हमारे ऊपर भी दुरुपयोग किया जा रहा है इसका, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वर्तमान सरकार से प्रश्न पूछते हैं, तो लोग हम पे क्या कर रहे हैं, राजद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं। किसी व्यक्ति को राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मिलना भी दोस्तों मुश्किल हो जाता है, हालांकि इसमें सुनवाई की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। तो इसके रेफरेंस में विनोद दुआ बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह के आरोपों के साथ साथ FIR को भी रद्द कर दिया था। साथ ही अन्य कानूनों का भी अस्तित्व बना हुआ है, यह भी एक आलोचना के तौर पे कि भाई क्यों हम राजद्रोह का मतलब कानून बनाए रखें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पहले से जो IPC 1973 उसकी धारा 144, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आचार संहिता के रूप में हम उसे क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक निवारक हिरासत और प्रतिबंध आरोपित करते हैं। आर्टिकल 144 की जो धारा होती, जहां पे कहीं पर भी आप खुले में एक साथ 3 से 4 लोग एक साथ बात नहीं कर सकते, गुटबाजी नहीं कर सकते, और जब ऐसी धाराएं सख्त रूप से हैं तो 124A का क्या आवश्यकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे कई सारे देश हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ने ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया है जिन्होंने आर्टिकल 19 यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे नकारात्मक प्रभाव डालते हों, तो ऐसे जो है कि कानूनों को बंद कर दिया है। ये सारी चीज़ें हैं, और अब हम बात करेंगे विधि आयोग ने क्या तर्क दिए हैं इसको बरकरार रखने के लिए, तो अभी हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मेंस को ध्यान में रख के मेंस के पेपर के लिए आपको क्या करना चाहिए कि इससे रिलेटेड कुछ व्याख्याएं दी हैं न्यायपालिका ने विगत वर्षों में, उनको आपको याद रखना है। जो मेंस में आंसर राइटिंग में आप केस को अगर डाल देते हैं, एक दो लाइन में व्याख्या लिख देते हैं, तो एग्जामिनर आपको नो डाउट 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा। क्यों देगा, जैसे आप 2 इंपॉर्टेंट केस को कोट करिए, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950, जिसमें कहा था कि सरकार की आलोचना से उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हालांकि इसे तब तक अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए उचित आधार नहीं माना जाइए जब तक इसे राष्ट्र की सुरक्षा कमजोर न हो। मतलब अगर हम कहें कि हमने तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट की आलोचना कर दी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की आलोचना कर दी, वर्तमान में मोदी सरकार की अगर हम आलोचना कर रहे हैं, या योगी सरकार की, या शिवराज सिंह चौहान की सरकार की अगर हम आलोचना कर रहे हैं, और इससे अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा पैदा नहीं हो रहा है, तो आप राजद्रोह या आर्टिकल 19 को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी स्वच्छ लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र, हेल्दी डेमोक्रेसी की मूल विशेषता होती है कि उसमें सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। वहीं केदार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद, इन्होंने कहा कि 124A की वैधता को तो बरकरार रखा, हालांकि राष्ट्र को उन ताकतों से संरक्षण की आवश्यकता है जो सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल सकती है, सभी के लिए नहीं। विनोद दुआ बनाम भारत संघवाद 2021, MG बॉमटेकरे और भारत संघवाद 2023, ये भी एक मामला है। तो इस तरीके से आप इसके केस को अगर आप कोट करते हो तो आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा देगा। अब आगे देखते हैं इसमें कि विधि आयोग ने क्या तर्क दिए हैं इसको कॉन्टिन्यूस रखने के लिए। तो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 19 के तहत राजद्रोह एक युक्तियुक्त निर्बंधन है। यानी कहा जाता है आर्टिकल 19(1) में कि अगर आपने कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे राष्ट्र की अखंडता या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे नकारात्मक प्रभाव की ओर बढ़ते हैं, नकारात्मक होते हैं, तो हम आप पर राजद्रोह या आपकी आर्टिकल 19 को प्रतिबंधित कर सकते हैं। मौजूदा आतंकवाद रोधी कानून धारा 124A का स्थान नहीं ले सकते, जिसे हम लोग आर्टिकल 144 के रूप में देख रहे थे।
किसी कानून को स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए, न कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण से। सबसे बड़ा जो आरोप लगता है दोस्तों, वो 124 ए पे ये आरोप लगता है कि औपनिवेशिक युग का जो है कि कानून है, जिसमें ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किसी भी तरीके से कमजोर करने का प्रयास कर रही थी, साथ ही साथ उन्हें दबाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन वर्तमान सरकार हमारे ब्रिटिश सरकार से बेहतर है, इसलिए 124 ए को निरस्त कर देना चाहिए। तो वही जो आपकी विधि आयोग है वो कह रहा है कि हर कानून को आप औपनिवेशिक दृष्टिकोण से मत देखिए, जो कानून राष्ट्र हित के लिए बेहतर है उन्हें लागू रहना चाहिए। वहीं प्रत्येक देश में स्थिति भिन्न भिन्न होती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन का हमने एग्जाम्पल दिया, ऑस्ट्रेलिया का दिया, सिंगापुर का दिया, कि यहाँ से ऐसे कानून निरस्त कर दिए गए हैं, तो वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ की जागरूकता, वहाँ का जो है कि एनवायरनमेंट वो अलग है और हमारे यहाँ का अलग है। तो हर देश के जो कानून होते हैं वो उनकी परिस्थितियों के आधार पर भी निर्भर करते हैं, और केवल दुरुपयोग के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे की राह में हम देखें कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान में कि आईपीसी की धारा 124 ए में केदारनाथ वाद 1962 के निर्णय को शामिल किया गया है, और 124 ए में 3 वर्ष की सजा या तो आजीवन कारावास दोनों का प्रावधान होता है, और इसके लिए कोई भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा मौजूद नहीं है। लेकिन विधि आयोग का अगला प्रस्ताव जो है, सिफारिशें हैं, वो कहता है कि अब हिंसा भड़काने या लोक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति से युक्त अगर कोई भी कार्य होता है तो उसे राजद्रोह के रूप में जाना जाएगा। अब सजा जो है कि 3 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष की रहेगी, या तो आजीवन कारावास, और साथ ही साथ राजद्रोह के लिए कोई FIR तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जाँच नहीं कर लेता है। तो इसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए बात की गई है, लेकिन अगर हम बात करें कुछ और भी अन्य सुझाव, जैसे सीमित आवेदन 124 ए केवल उन मामलों में ही लागू की जानी चाहिए जहां किसी भी कार्य का इरादा लोक व्यवस्था को भंग करना या हिंसा भड़काना या अवैध तरीके से सरकार को हटाने का हो। ये नहीं कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उसके गलत कार्य की निंदा कर रहे हैं, उसकी नकारात्मक पॉलिसी या नीतियों की अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो हम राजद्रोह नहीं फैला रहे हैं। भाई सरकार से अगर प्रश्न नहीं पूछोगे, हमारे रविश कुमार पत्रकार जी क्यों जो है कि सरकार से प्रश्न पूछते हैं, उन्होंने NDTV क्यों छोड़ दी, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो सरकार से लगातार प्प्रश्न पूछता है, और हमारा कर्तव्य भी है कि हम सरकार से प्रश्न पूछें, चाहे वो प्रश्न सही नीतियों के लिए हो चाहे गलत नीतियों के लिए। अगर वो सही नीतियों से संबंधित है तो हम सरकार की प्रशंसा करेंगे, अगर गलत नीतियों से संबंधित है तो हम सरकार की आलोचना भी करेंगे। तो दोनों ही अधिकार होने चाहिए, और यही एक हेल्दी डेमोक्रेटिक देश कंट्री का मेन फीचर होता है। और बाकी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण भी देना और उन्हें जागरूक बनाना। तो ये 2 पॉइंट आपके कवर हो गए, 2 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक। ये एक नई जो है कि पहल शुरू की गई 2022 में, और इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए, ग्रीवांस रेडिएशन असेसमेंट एंड इंडेक्स, जिसको हम लोग GRAI बोलेंगे, ग्राई भी हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो इसको केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री ने 2022 के लिए शिकायत निवारण आकलन सूचकांक जो कि GRAI लॉन्च किया है। और होता क्या है, हालांकि इसके लाभ क्या होते हैं पहले तो हमें ये समझना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र के पहला लाभ होता है कि जनता को मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सरकार में जो है कि व्यक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए लेकिन प्रशासन अधिक से अधिक होना चाहिए, लोगों के लिए फायदे अधिक होने चाहिए। शिकायतों को जो नागरिकों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ से, और नागरिकों से हम फीडबैक लेके आवश्यकता पड़ने पर हम उसकी गुणवत्ता और विश्लेषण की जांच करके उसमें सुधार कर सकते हैं शिकायत निवारण तंत्र में। वहीं जवाबदेही और पारदर्शिता, विश्वास निर्माण और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित भी करना आसान हो जाता है। बात करते हैं अब हम इसके ग्राई के बारे में, जो कि 2022 से समय जो तथ्य है। पहली चीज कि ये जो है इसका जो विकास है वो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, DARPG के द्वारा किया गया है, और ये जो है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फिर आगे देखते हैं, इस सूचकांक की रिपोर्ट केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली से समय 10 चरणी सुधारों का एक हिस्सा के रूप में है, और इसका उद्देश्य जो है संगठनवार तुलनात्मक स्थिति। ये जो संगठन है ये प्रशासनिक संगठन, सरकारी संगठनों के आपस में तुलना की जाएगी, कौन सा संगठन बेहतर कार्य कर रहा है और उसके गुण और कमियों के बारे में जानकारी मिलेगी ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, जिसमें सामान्यतः 4 अलग अलग आयामों को शामिल किया गया, जैसे दक्षता, फीडबैक, कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक प्रतिबद्धता। ये 4 आयामों के साथ 12 संकेतकों को भी आधार बनाया गया है।
बात करते हैं अगर हम, तो इसमें लगभग लगभग 89 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का जो है कि आकलन किया जाता है और उनको रैंकिंग दी जाती है। 2021 में मंत्रालयों और विभागों की शिकायतों के निपटारे में 32 दिन लगते थे, लेकिन अब जो है कि मई 2023 में मात्र यह संख्या 16 हो गई है घट के। मतलब आप देख सकते हैं कि सारे मंत्रालय और विभाग कितनी दक्षता के साथ कार्य कर रहे हैं कि जो 2021 में 32 दिन लगते थे एक मामले के निपटारे में, अब सीधे 50% की कटौती देखने को मिलती है, सीधे 16 दिन में ही सारे मामले निपट जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये है क्या, GPGRAMS जो कि अभी हमने यहाँ ऊपर डिटेल से पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पीड़ित नागरिकों को शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाता है, जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अन्य सांविधिक निकाय की तरह। भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संगठनों ने भी शिकायतों की जांच पड़ताल के लोकपाल की स्थापना की। राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात ने स्वागत बनाया, आंध्र प्रदेश ने जो है कि स्पंदना बनाया, राजस्थान ने राजस्थान संपर्क, ओडिशा सरकार ने ई अभियोग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाए ताकि वहाँ की जनता को भी ये सुविधा प्राप्त हो सके। अब बात करेंगे जो ग्रीवांसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म है, शिकायत निवारण तंत्र, इसमें अगर हम देखें कि सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट आती है वो क्या कहता है कि इसके द्वारा प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने का प्रयोग किया गया है, अर्थात कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि हमने किसी भी तरीके से नागरिकों के केंद्र में रख के जो है कि उनके प्रशासन को सुधारा है, ये सारी चीज़ की है। वहीं इसमें दो नोडल एजेंसियां भी शामिल होती हैं जैसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय। तो दो जो है कि नोडल एजेंसियां भी होती हैं, लेकिन इसका कोई जानने का मतलब नहीं है। देखिए हम लोग पूरी की पूरी लाइन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ, और जो एक्सेस है, जो मतलब काम की चीज़ें नहीं है, तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको नॉलेज चाहिए उसकी, तो आप PDF पढ़ सकते हैं। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से, तो आप वहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। बाद में मैं क्या करूँगा, जब एक हफ्ते 10 दिन में हम 10-12 वीडियो में पूरी जून की करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, तो ये जो मार्किंग की हुई जो PDF होगी ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप उसे भी दोबारा रीड कर सकते हैं, समझ सकेंगे ताकि कोई भी चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। अब जरा हम देखते हैं कि वर्तमान में समस्याएं क्या क्या मौजूद हैं लोक शिकायत प्रणाली में। पहली कि नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता की कमी। मान लीजिए अधिकार पता भी होंगे ना, तो कर्तव्य नहीं पता होंगे, और अधिकार तभी सक्षम होते हैं जब आपको अपने कर्तव्य भी पता हो, तो ये चीज़ें हो गई। न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ लगातार बढ़ रहा है, कहने का मतलब कि शिकायतों का जब निवारण नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, और इस वजह से प्रशासन की दक्षता अगर कमज़ोर होती है, मंत्रालयों विभागों की दक्षता कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से शिकायतों का निवारण नहीं हो पाता है, तो कोर्ट में क्या होता है, केसेस की लगातार संख्या बढ़ती चली जाती है और अत्यधिक बोझ हो जाता है। तो शिकायतों के निपटान नहीं होने के कारण ही छोटे छोटे मुद्दे भी अदालत में आने लगते हैं। एक रूपता का अभाव है, वहीं कोई वैधानिक समर्थन भी नहीं होता है, जैसे कई विभागों में GRM को RTI की तरह कोई अनिवार्य नहीं माना जाता है, कि मतलब कि आपको करना ही करना है। वहीं संसाधनों की कमी भी है, भाई ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, और GPGRAMS सुविधा प्रदाता के रूप में व्यवहार नहीं कर पा रहा है। वहीं प्रणालीगत समस्याएं भी हैं, जैसे क्या क्या प्रणालियों में समस्या है कि प्रशासन में बहुत ढिलाई होती है, सेवाओं में नैतिकता की कमी है, इसीलिए हमको क्या किया जाता है, GS पेपर 4 पढ़ाया जाता है एथिक्स का, कि ताकि आप लोग ब्यूरोक्रेट्स जब बने, प्रशासन के हिस्से बने, तो आपके अंदर एक नैतिकता भी होनी चाहिए कि आपको सर्विस देनी है, यानी अपनी जो सेवा करनी है समाज की, उसमें नैतिकता भी होनी चाहिए। अंतर्निहित जड़ता है इसमें, प्रोत्साहन का अभाव है, उचित प्राधिकार और उत्तरदायित्व का भी अभाव है, कि क्लियर ही नहीं होता है कि कौन सा अधिकारी किसको रेस्पॉन्सिबल होता है और किसको नहीं होता है। हालांकि इसके मजबूत करने के उपाय अभी हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम एक छोटा सा बॉक्स देख लेते हैं यहाँ पे, कि जो इसके 10 चरणी सुधार हैं, जिसमें ये आपके होते हैं सार्वभौमिकीकरण करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग करना, शिकायत निवारण सूचकांक जारी करना, फीडबैक कॉल सेंटर लेना, वहीं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मासिक प्रगति रिपोर्ट, डेटा रणनीति और एक राष्ट्र एक पोर्टल, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। आगे देखते हैं नागरिक केंद्रित प्रशासन। अब देखते हैं नागरिक केंद्रित प्रशासन की बात करें तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की रिपोर्ट के अनुसार सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन की अवधारणाएँ आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। वहीं GRM के अलावा अन्य तंत्र जिन्हें प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे आप प्रौद्योगिकी को अपना सकते हो,
सूचना का अधिकार दीजिए, नागरिक चार्टर बनाइए, सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन कीजिए और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होगी तो नो डाउट ये जो आपका ग्रीवांसेज रेड्रेसल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जो कि शिकायत निवारण तंत्र है, ये ऑटोमेटिकली आपका और बेहतर हो जाएगा। और इसके लिए सेकंड ARC की जो रिपोर्ट थी उसने क्या कहा कि नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाओ, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, एक ही उपाय सभी के लिए लागू नहीं हो सकता, इस पर व्यापक परामर्श दीजिए, निवारण तंत्र होना चाहिए, आवधिक मूल्यांकन होना चाहिए और उपभोक्ता संरक्षण और प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको मजबूत बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे पहला हमारा है कि शिकायत के संभावित क्षेत्रों की पहचान कीजिए, जैसे कहाँ कहाँ पे शिकायतें आम पब्लिकली ज़्यादा करती है, जैसे भ्रष्टाचार के लिए करती है या जो है कि कुछ और भी मुद्दे जो शिकायतों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के कार्यों को नियमित रूप से ऑडिट करिए और धीरे धीरे आप भ्रष्टाचार को कम करिए। नागरिकों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, सिविल सेवकों के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, उन्हें समय समय पर उनके अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करिए, प्रभावी सुझाव प्रदान कीजिए, जानबूझकर की गई लापरवाही के लिए दंडित करने के माध्यम से लाया जा सकता है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करिए, उनको पुरस्कार दीजिए, उनको मोटिवेट करिए, लेकिन अगर उनके द्वारा इस चीज़ का या अपनी शक्ति अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है तो उनको सजा भी ऐसी दीजिए ताकि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि भाई फला आदमी फला अधिकारी ने ये गलत काम किया तो इतनी बड़ी सजा मिली, हो सकता है मैं भी अगर ऐसा कोई गलत काम करूं तो मुझे भी सजा मिलेगी, तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी सेट करने चाहिए। वहीं सेकेंड ARC की रिपोर्ट कहती है कि लोक शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, याचिकाओं को 30 दिनों के भीतर संतोषजनक ढंग से निपटा दिया जाना चाहिए और समय सीमा का पालन न करने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय से समय संसदीय स्थायी समिति के सुझाव भी 2021 में जो इम्पोर्टेंट थे वो दिए गए थे, लेकिन ये कुछ खास नहीं थे इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का OTT प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज हमारे यूथ के बीच में बहुत ही प्रचलित में है, जैसे आप देखेंगे OTT के रूप में अगर मैं बात करूँ तो नेटफ्लिक्स हो गया और अमेजोन प्राइम हो गया, हॉट स्टार हो गया, G5 हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहाँ पर हम वेब सीरीज देख लेते हैं, पॉडकास्ट सुन लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, हॉलीवुड मूवीज देख लेते हैं, साउथ इंडियन देख लेते हैं, नॉर्थ इंडियन देख लेते हैं, हर प्रकार के वहां पे सीरीज वगैरह सारी चीजें एपिसोड्स देख लेते हैं। तो इसी पे रेगुलेशन से संबंधित कुछ प्रोविजंस आए हुए हैं कि इनको भी रेगुलेट करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्यों ये टॉपिक चर्चा में है। तो देखिए डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद जिसको DPCGC ने IT नियमावली कब की, 2021 के आधार पे OTT पर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। तो क्या समझ में आया कि IT नियमावली 2021 के आधार पे OTT पर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। क्यों दंडात्मक भाई, किस बात पे आप दंड दे रहे हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद है क्या। तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत संस्था है। 2021 में इसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। यह मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र और स्वविनियामक निकाय है और यह ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रदाताओं के लिए गठित किया गया था, जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनके लिए गठित किया गया था। साथ ही साथ इसके सदस्यों को IT नियम 2021 और अन्य मौजूदा नए कानूनों तथा ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशन से संबंधित नियमों विनियमों दिशा निर्देशों आदि का पालन करना होता है, इन सभी चीज़ों का इन्हें पालन करना होता है। अब आते हैं हम OTT के बारे में। बहुत सारे बच्चों को OTT का प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, तो ओ से हो गया ओवर, टी से हो गया द और ट से हो गया टी से हो गया टॉप। कहने का मतलब हो गया कि OTT की जो फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है। और ये क्या होता है, ये ऐसी सेवाएं होती हैं जिसे सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, TV कार्यक्रम यानी सीरियल्स और अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करती है। इनमें केबल या सैटेलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे हम अपने घरों में टीवी में जो है कि केबल सैटेलाइट और एंटीना वगैरह या डिश TV वगैरह लगाते हैं, ऐसी इसमें चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। माना जाता है कि वर्तमान में लगभग 43 मिलियन सब्सक्राइबर इसके हैं और 2023 के लास्ट होते होते इसमें 50 मिलियन तक ये संख्या बढ़ सकती है। और देख लेते हैं इसमें होता क्या है कि भारत की विनियामकी भाषा यानी रेगुलेटेड जो लैंग्वेज में OTT प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक कहा जाता है। यानी इंडिया में अगर जो रेगुलेटेड जो IT नियमावली 2021 है उसके तहत इसको क्या कहा जाता है, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक, यानी ऐसे कंटेंट को ये प्रोवाइड करता है जो ऑनलाइन मिलता है, जिसमें ऑडियो वीडियो कंटेंट शामिल होते हैं और ये दर्शकों की डिमांड पर उपलब्ध किए जाते हैं, जैसे फिल्में, वेब सीरीज, पॉडकास्ट।
यह कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म द्वारा सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन यह केवल सब्सक्रिप्शन तक ही सीमित अब नहीं रह गया है। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, जैसे हॉटस्टार का जो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो 500 रुपीज़ पर ईयर होता है, पर ईयर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और नेटफ्लिक्स का अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 रुपये पर मंथ होता है, अमेजोन प्राइम का भी लगभग ऐसे ही होता है, 799 रुपये का पर ईयर होता है। तो अलग अलग जो होते हैं, जिसके सब्सक्राइबर होते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं मतलब इसका चार्ज लेते हैं, पेमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसकी खास बात क्या होती है कि ऑन डिमांड यानी डिमांड पर, इसका जो मतलब होता है कि कोई उपयोगकर्ता द्वारा अपने चुने गए समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी कंटेंट तक पहुंचने में सक्षम होना। भाई मेरे पास अगर मान लो नेटफ्लिक्स का रिचार्ज है तो मैं रात 2 बजे, रात 3 बजे, सुबह 4 बजे, 10 बजे, दोपहर में 12 बजे, किसी भी समय कोई भी मूवी देखूँ तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में OTT विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जहाँ से OTT पे हम क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता 1861, स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध 1986। मतलब क्या होगा कि स्त्री की अगर गलत जो है कि प्रतिमा दिखाई गई है, गलत छवि दिखाई जा रही, तो ऐसे में भी इस एक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं नए IT अधिनियम 2021 के तहत, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय OTT तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? क्योंकि ऑनलाइन समाचार OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए एक आचार संहिता भी बनाता है कि ये किसी भी तरीके से अपने दिशा निर्देशों को पालन करें, सेल्फ जो है कि क्लासिफिकेशन करें कि कोई चीज़ यूनिवर्सल है, या यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सभी लोग, किसी भी उम्र के लोग देख सकते हैं। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट जो 7+ ईयर के हैं बस केवल वही देख सकते हैं, इसमें 13+ जो 13 साल या उससे ऊपर के स्टूडेंट हैं, या 16+ या एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है 18+ वाले ही केवल देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कई बार ऐसी मूवीज आपने देखी होंगी, पहले तो गालियाँ भी नहीं दी जाती थी, अब तो थोड़ा बहुत एक आध गाली वर्ड चल जाता है मूवीज़ में, क्योंकि मूवीज़ को हम ये मानते हैं कि फैमिली के साथ देखी जाती है, इसलिए इस पर सेंसरशिप भी लगाई जाती है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पे कोई सेंसरशिप नहीं लगाई जाती है, इसलिए आप मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज देख सकते हैं जो बहुत ही वर्गल है, और बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज है जहाँ पर ओपनली जो है कि गाली और रोमांस बहुत सारी चीज़ों को शो ऑफ किया जाता है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो कि समाज की कुछ ऐसे पहलू है जिसको छिपा कर रखा जाता है, उसको दिखाने का प्रदर्शन किया जाता है, या यूं कहें कि यूथ में जो नया क्रेज है ना कि हम कोई भी रैप सुनेंगे तो उसमें गाली होनी चाहिए, या हम कोई भी मूवीज़ देखें तो इंग्लिश के साथ जो है कि थोड़ा क्रेजी वर्ड्स के प्रयोग किए जाएँ, या कुछ इस तरीके से जो हमें अच्छा लगे। तो ऐसी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए ये बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ पाए होंगे कि OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्या है। लेकिन क्या है कि OTT के विनियमन से रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई चुनौतियां भी हैं। जैसे क्या चुनौतियां हो सकती है भाई, OTT को आप अगर रेगुलेट कर रहे हो तो उससे क्या प्रॉब्लम्स है? पहली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जा रही है, इसे बहुत सख्ती से विनियमित करने से लोगों की रचनात्मक स्वतंत्रता बाधित हो सकती है और कलात्मक अभिव्यक्ति भी सीमित हो सकती है, क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। अगर आप इस पर रेगुलेशन लगा देंगे तो फिर उनके लिए कैरियर का क्या हो जाएगा, दायरा सीमित हो जाएगा। नियमों के पालन के निम्न दर, OTT वेबसाइट्स इंटरफेस पर शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित संपर्क विवरण के प्रस्तुतिकरण को अनिवार्य बनाते हैं और इसके सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता की गोपनीयता संबंधी आवश्यकता को विनियमन की जरूरतों के साथ संतुलित करना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे या हॉटस्टार पे या G5 पे कुछ ऐसे कंटेंट्स देखता है जो शायद वो पब्लिकली किसी के साथ नहीं देख सकता, लेकिन होगा क्या कि जब रेगुलेशन होगा OTT पे तो ऐसे कई लोगों की जो है कि प्राइवेसी लीक हो सकती है कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे कंटेंट देखते हो, ऐसे वर्गल कंटेंट देखते हो, या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हो, तो यहाँ पे गोपनीयता की भी प्रॉब्लम्स है। वहीं क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दे भी होते हैं कि विदेशी संस्थाओं के खिलाफ घरेलू निवारण तंत्र का प्रभावी कार्यान्वयन एक चिंता का विषय बना हुआ है। आप नेटफ्लिक्स को देख लो, ये कहाँ का है दोस्तों, अमेरिका का है। आप हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार बोला जाता है, ये कहाँ का है, ये भी अमेरिका का है। अमेजोन कहाँ का है, ये भी अमेरिका का है। जियो आपका इंडिया का है, G5 आपका इंडिया का हो सकता है, लेकिन नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और आपके अमेजोन, MX प्लेयर, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये तो विदेशी संस्थाओं के हैं, इस पर आप कैसे
वो कर सकते हो, मैकेनिज्म कर सकते हो, कैसे आप जो है कि रूल लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। वहीं निगरानी करने के और अनुपालन सुनिश्चित करने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे, और इसमें कुछ खास नहीं था। अगर हम आगे की राह में देखें, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया बिल जो प्रस्तावित किया गया है, इसके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कंटेंट को रेगुलेट करने का भी विचार किया जा रहा है कि जो कंटेंट इस पर प्रसारित किया जा रहा है वो भी अब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी कि आप कौन से कंटेंट को एडल्ट को दिखा सकते हो, कौन से कंटेंट अंडर एडल्ट को देख सकते हैं, और कौन से कंटेंट आपके यूनिवर्सल हो सकते हैं। जैसे आप जब मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो मूवी जब थिएटर में या जो है कि अपने मोबाइल में ऑन करते होंगे तो उसमें कुछ इस तरीके का बना हुआ आता है यू, या इसको अ लिख देते हैं, यानी अवयस्क हो गया या अडल्ट हो गया, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करेंगी। वहीं आगे की राह में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय प्रसारण नीति की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए कि ओटीटी जैसे अलग अलग प्रसारकों के लिए विविध तंत्र, नियम और टैरिफ मौजूद हैं। भारत में एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए। वहीं पारंपरिक और ऑनलाइन कंटेंट के बीच अंतर को पहचानना, कुछ पारंपरिक हमारे कंटेंट हैं जो मोबाइल पे आते हैं, टीवी शोज पे आते हैं, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट भी कुछ अब वही बनने लगे हैं, तो इसको भी चेंजेस को देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसमें सेंसरशिप लगा सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक सेंसरशिप के दायरे से बाहर हो जाता है, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। वहीं प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना लोगों के बीच में, और नियमित ऑडिटिंग करना, इनकी ऑडिटिंग भी नियमित करनी पड़ेगी तभी जाके हम इस पर कुछ काम कर सकेंगे, और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जो ऑनर हैं या जो हितधारक हैं जिनको इससे बेनिफिट हो रहा है, या आप कस्टमर को देख लीजिए, जो यूथ है या जो भी व्यक्ति ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा है, तो उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मेरे लिए यूजेबल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग जो है कि चार्ज करा लेते, रिचार्ज कर लेते और उनके लिए यूजफुल नहीं होता, तो फिर उनका पैसा बेकार चला जाता है। तो दोस्तों ये तो था पॉलिटी सेगमेंट में चार इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपसे आज डिस्कस कर लिए हैं, और अब जो है कि हम लोग कल की क्लास में इसके जो बचे हुए जो संक्षिप्त सुर्खियां होंगी दोस्तों, इसको भी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट डे चलेंगे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर शुरू करेंगे। तो ये तो थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, मई का भी हमने लगा रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।